सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजू सिंह जबलपुर से और इस बिजनेस को मैं अपने हस्बैंड मिस्टर राजेंद्र सिंह जी के साथ बिल्ड कर रही हूँ। आज मैं कुकवेयर के बारे में बात करूँगी। उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूँगी। मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी। तो ठीक है, मेरा टॉपिक है एमवे क्वीन कुकवेयर के बारे में मैं बात करूँगी। तो यहाँ पे स्वादिष्ट और पौष्टिक खाने के बारे में हम बात करते हैं। तो आप सब अपने घरों में कुकिंग के दौरान इस बात का सामना कर रहे होते हैं कि हमको पौष्टिक खाना खाना है या फिर स्वादिष्ट और सेहत के बीच में आप लोग हमेशा इस बात का सामना कर रहे होते हैं। तो अधिकतर ये देखा जाता है कि अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ पौष्टिक भोजन बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमें स्वाद से समझौता करना पड़ता है, और अगर हमें स्वादिष्ट भोजन बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमें पोषण से समझौता करना पड़ता है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे कुकवेयर की ओर जो आपको पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वादिष्ट खाना भी देता है। तो यहाँ पे हमारे पास है एमवे क्वीन कुकवेयर। तो इसमें जब भी आप एमवे क्वीन कुकवेयर परचेज करते हो, यहाँ पे कुछ रेसिपीज दिए हुए हैं, 28 रेसिपी के आसपास आपके इस बुक में मिलता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या बर्तन है। तो हमको यहाँ पे जो कुकवेयर है वो 5 सेट में मिलता है। यहाँ पे 3 ply और 5 ply मिलता है। तो सबसे पहले हम सॉस पैन की बात करते हैं। सॉस पैन यहाँ पे 2 liter का होता है, स्टॉक पॉट होता है वो 4 liter का होता है, और सॉटे पैन जो होता है वो 1.5 liter का होता है। तो जो ये सॉस पैन है तो ये 3 ply है, और स्टॉक पॉट ये दोनों 3 ply होती है। इसमें कार्बन स्टील होता है और 2 layer स्टील का होता है, और इसमें एक एडिशनल सॉटे पैन में एक एडिशनल और एल्यूमिनियम की कोटिंग की गई है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसा डिज़ाइन, मतलब इसके डिज़ाइन के बारे में कि कैसा ये डिज़ाइन किया गया है। तो ये मीडियम टू लो हीट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी हमारा बर्तन हीट होता है और पूरा हीट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बहुत लंबे समय तक हमारा खाना गर्म रहता है। अब हम बात करेंगे कि एमवे क्वीन कुकवेयर को डिज़ाइन किया गया है मीडियम टू लो हीट के लिए। जब भी हम अधिकतर हम लोग अगर अपने घर पे खाना पकाते हैं तो हम क्या करते हैं कि तेज आंच में खाना पकाते हैं, सोचते हैं बहुत जल्दी खाना पकेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम तेज आंच में बना रहे हैं खाना तो वहाँ पे हमारे खाने का न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। हम ये सोचते हैं बहुत जल्दी हमारा खाना पक जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कुकवेयर है उसको डिज़ाइन किया गया है मीडियम टू लो हीट, मतलब यहाँ पे हमको तेज आंच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका जो बर्तन है उसमें जो 3 to 4 minutes हमारा मीडियम फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जैसे उसमें वाटर लॉक स्टार्ट होने लगता है तो फिर वहाँ पे हम लो फ्लेम कर देते हैं। अब मैं बात करती हूँ ऑप्टिकम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हम क्या करते हैं कि इस ऑप्टिकम टेक्नोलॉजी के कारण हमारे बर्तनों में जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है। मतलब हम जो भी खाना बना रहे हैं तो उसमें कोई ऑयल नहीं डालें या फिर लेस ऑयल का यूज़ करते हैं हम लोग। अधिकतर जब हम लोग खाना बनाते हैं कई बार हम लोग सोचते हैं कि मतलब कि 5 to 6 chamach तेल डालकर बनाने लगते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि हमारे मतलब हमारे खाने को तेल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपने नेचुरल ऑयल से ही पकता है। लेकिन यहाँ पे तेल ज़्यादा तेल की ज़रूरत बर्तनों को होती है, ना कि हमारे खाने को। तो यहाँ पे एक ऑप्टिकम टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हम जीरो ऑयल कुकिंग भी पॉसिबल है यहाँ पे। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसमें जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है, बिल्कुल मीडियम टू लो हीट में हम बना सकते हैं, अपने टाइम की सेविंग कर सकते हैं और गैस की भी बचत कर सकते हैं, और ये बहुत देर तक हमारे खाने को गर्म रखता है। अब हम इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर हम नॉर्मल कुकवेयर में नॉर्मल बर्तनों में खाना पकाते हैं तो जो हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कुछ इस तरह से होता है, मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा तेज आंच होता है वहाँ पे क्या होता है कि हमारा बर्तन ज़्यादा तेज़ गर्म होता है, और वहाँ पे जो भी सब्जियाँ अगर हम लोग बना रहे हैं, जो भी खाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत जल्दी पकता है। तो हम क्या करते हैं बीच बीच में बार बार चलाते रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब इस तरह से हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम कुकवेयर एमवे क्वीन कुकवेयर की बात करें तो उसमें बिल्कुल एक समान हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमारा जो खाना है वो भी एक समान पकता है, वो भी लो फ्लेम में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वाटर लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वाटर लॉक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण आपके खाने का पूरा न्यूट्रिशन आपके खाने में लॉक रहता है। तो यहाँ पे हम बहुत अधिकतर हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी सब्जियाँ या कोई भी खाना बना रहे होते हैं
तो हम मतलब उसमें जो भी पानी वगैरह का यूज़ करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे खाने का न्यूट्रिशन ख़त्म होता रहता है। लेकिन यहाँ पे इन बर्तनों की खासियत ऐसी है कि इन बर्तनों में वाटर लॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसके माध्यम से आपके खाने का पूरा न्यूट्रिशन लॉक रहता है। उसमें बिल्कुल भी हम थोड़ा सा पानी डालते हैं तो होता ये है कि जो हमारे सब्जियों का जो पानी है नेचुरल पानी उससे हमारा खाना पकता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे तो हमारे जो सब्जी का नेचुरल कलर है, फ्लेवर, टेक्सचर, विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन सब वो लॉक करके रखता है। बहुत कम पानी में हम पका पाते हैं इसको और जो भी खाना है वो अपने नेचुरल जूस से पकता है। अब हम मेंटेन कैसे करें अपने कुकवेयर को। हमने मतलब ये कुकवेयर परचेस तो कर लिया है, अब बात करते हैं कि इसको मेंटेन कैसे करना है। तो इसको जो स्टील वाला धुलने वाला जूना आता है उससे नहीं मारना होता, और या फिर आप डिटर्जेंट का यूज़ ना करें और इसको आप डिश वाशर में ना धुलें, क्योंकि होता यह है कि अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे तो हो सकता है हमारा बर्तन डैमेज हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने मतलब आपको अपने कुकवेयर को साफ़ करने के लिए डिश ड्रॉप का यूज़ करना है, या फिर आप अगर कभी कभार गलती से अगर आपका कुकवेयर गलती से अगर जल जाता है, मान लीजिए आपने गैस में कुछ रखा और भूल गए, तो अगर आपका बर्तन जल गया तो यहाँ पे आप विनेगर और डिश ड्रॉप को साथ में मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप इजीली जो स्टॉप वाइप आता है उससे आप साफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ही ग्रेट वॉल्यूम प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर हम इसको परचेस करते हैं तो ईजिली हम लोग जो फर्स्ट लेवल होता है 3% वो ईजिली हम लोग अचीव कर लेते हैं। और इसमें इसका जो लीड होता है ये 5 सेट में आता है, तो एक एक ढक्कन ऐसा होता है कि जो दोनों में लगता है। और जो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अलग से लीड खरीदने की ज़रूरत है तो आप लोग अलग से भी परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन बर्तनों में 30 ईयर की वारंटी है, तो यहाँ पे जो 30 ईयर में हम लोग सेविंग करते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो जो 30 ईयर की सेविंग है, जो ऑयल की बचत है, अगर आपके घर में मान लेते हैं 4 लीटर तेल यूज़ होता है लेकिन आप तेल खा भी रहे हो, लेकिन हमारे बॉडी के लिए कुछ ही मिलीग्राम तेल सही होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑयल हम लोग खाते हैं वो खाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम 6 चम्मच का यूज़ करते हैं तेल, या फिर 4 चम्मच तेल यूज करते हैं, तो वहाँ पर आप 1 चम्मच तेल ही डालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम तेल की बचत कर रहे हैं 30 सालों में, तो वो कम से कम 16,200 रुपये के आसपास हम लोग बचत कर रहे हैं। और अगर हम गैस की बात करें तो हमेशा मैंने बताया कि मीडियम टू लो फ्लेम में पकता है खाना, तो यहाँ पे जो गैस की बचत हो रही है 86,400 रुपये के आसपास हो रही है। क्योंकि अगर हमारा 1 महीने में 1 सिलेंडर लगता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 1 सिलेंडर 1.5 महीने तक चल रहा है, मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है, तो टोटल अगर देखा जाए तो हम साल में सिर्फ 9 सिलेंडर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो गैस की बचत है 86,400 रुपये के आसपास है। और जो कुछ बर्तनों में हम लोग पैसा खर्च करते हैं, जैसे हमने सोचा कि 3 साल 4 साल में हमको बर्तन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा बर्तन ख़राब हो जाते हैं, नॉर्मली जो बर्तन यूज़ होते हैं घरों में तो वो 3 या 4 साल के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो जो बर्तनों में हम लोग पैसा खर्च करते हैं वो लगभग 20,000 के आसपास हम लोग 30 साल में खर्च करते हैं। तो मैं टोटल सेविंग की बात करूँगी कि यहाँ पर हम लोग कितना पैसा बचा पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1,22,600 रुपये के आसपास हम लोग सेव कर पा रहे हैं पैसा, वो भी हमने क्या किया, सिर्फ अपना कुक वेयर चेंज किया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट जो पॉलिसी होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपने कुक वेयर खरीद लिया, आपको लगता है कि कुछ दिनों के बाद, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया और रिजल्ट तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद कई सारे ऐसे डिशेज बनाए हैं, तो आपको लगता है अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जैसे आपने आज परचेस किया, आज कुछ दिनों के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो 30 डेज के अंदर आप इसको रिटर्न कर सकते हो। मतलब कंपनी आपको ये गारंटी देती है कि आप 30 दिन के अंदर अपने प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न पॉलिसी भी है। और रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर 30 ईयर के अंदर आपका बर्तन डैमेज होता है, आपका कुकवेयर किसी भी तरह से डैमेज होता है, तो वो आपका रिप्लेस हो जाता है बिना कोई सवाल किए। ठीक है, ये मैंने कुछ डिशेस बनाए हैं, जैसे कि अरबी मसाला बनाया है, एक बिरयानी बनाया है, और यहाँ पे कुंदरू मसाला बनाया है, बटर चिकन बनाया है वो भी विदाउट बटर, और भिंडी मसाला बनाया है, लच्छा पराठा मैंने बनाया है वो भी शॉर्टे पैन में बनाया है। तो कुछ अगर ऑयल वाली चीज़ें होती जिसमें हमको बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना पड़ता है, या फ्राई करने वाली चीज़ होती है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्टे पैन का यूज़ करते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पनीर टिक्का बनाया है, तो इसको जब मैंने फ्राई करने के लिए बिल्कुल कम ऑयल यूज़ किया था उसमें ही हो गया है। और जैसे मैंने हलवा बनाया है सूजी का, तो इसमें भी मैंने कुछ नहीं, मतलब कि विदाउट बटर बनाया, विदाउट घी बनाया है। और ये मैंने पनीर बटर मसाला बनाया था, इसमें भी कोई हमने बटर का यूज़ नहीं किया था। तो ये कुकवेयर मतलब ऐसा है, इतना हेल्पफुल है हम लोगों के
के लिए कि हम लोग इसको अपने घरों में यूज करते हैं, तो ये इतनी सारी डिशेस हम लोग बना पाते हैं बिना तेल का। और फिर अगर तेल खाना ही है तो बिल्कुल लेस ऑयल डालिए, वो उतना ही स्वादिष्ट बनता है। ओके थैंक यू, मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू मैम।